सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल पंजाब वैदर टूडे देख रहे सारे ही स्रोतियां नू जी आयां नू जी। सूबे पंजाब दियां खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाज़र हां जी। इस वीडियो दे विच आपां सूबे पंजाब दी हर निक्की अते वड्डी खबर नू तुहाडे नाल सांझा करन दी कोशिश करांगे जी। तुहानू बेनती है वीडियो नू शुरू तो लैके अंत तक जरूर देखियो तां जो तुहाडे तो कोई भी खबर मिस ना होवे। शुरुआत करते हैं जी। देश चु कोरोना केस 29 लाख तो पार, 24 घंटे चु 70,000 के करीब नवे मामले। भारत दे विच कोरोना वायरस तेजी दे नाल फैल रहा जी। आए दिन 60,000 तो वध नवे केस दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटिया दौरान 69,898 नवे केस सामने आए तो 983 लोगों की मौत हो गई है जी। नवे केस आने तो बाद देश दे विच कोरोना संक्रमित मरीजों की गिणती 29,05,823 हो गई है। बुधवार की गल करिए तो जी बुधवार नूं जिहड़े 69,692 नवे मरीज मिले सी ते 977 लोगों की मौत हो गई सी। अमेरिका ते ब्राज़ील च भारत के मुकाबले घट केस दर्ज किए जा रहे हैं। अमेरिका दे विच एक दिन चू 45,000 ते ब्राज़ील चू 44,000 प्लस केस जिहड़े दर्ज किए जा रहे हैं। सेहत मंत्राले के ताज़ा अंकड़ियां दे मुताबक देश दे विच हुण तक 29,05,823 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एक्टिव केसां की गिणती 6,92,000 हो गई है, जिन्हां चू 54,849 लोगों की मौत हो चुकी है जी। राहत की गल यह है कि 21,58,946 लोग ठीक हो चुके हैं। वायरस के एक्टिव मामलों के मुकाबले सेहतमंद होए लोगों की गिणती करीब 3 गुना है। कलयुगी माँ की शर्मनाक करतूत, ढिडों जन्मी मरी बच्ची नूं हस्पताल छड्ड के होई फरार। लुधियाना के सिविल हस्पताल दे विच एक औरत की डिलीवरी दौरान पैदा हुई बच्ची नूं दुनिया चों आउणा भी तो दुनिया देखनी नसीब नहीं हुई, क्योंकि वह मरी हुई ही पैदा हुई। डिलीवरी तो बाद उसकी माँ भी लापता हो गई। हस्पताल ने मासूम की लाश मुर्दा घर के रखवा दी जो उसके वारस आउण तो उसनूं सुपिरद कर दिता जाएगा, पर बच्ची नूं जन्म देने वाली माँ का कुछ पता नहीं लग सकिया। पुलिस औरत नूं लभण दा यतन किया पर वह नहीं मिली, क्योंकि औरत ने अपना नाम और पता गलत लिखवाया सी। पिछले 20 दिनों तो मासूम की लाश मुर्दा घर के विच संस्कार की उड़ीक चू सड़ रही है तो उसकी सार लैण वालियां की कोई जानकारी नहीं। तो 31 जुलाई में सिविल हस्पताल के मदर एंड चाइल्ड सेंटर के विच एक गर्भवती जनानी आई सी। उसकी डिलीवरी होने वाली सी, इसलिए हस्पताल स्टाफ ने जनानी नूं भर्ती कर लिया। तो जनानी ने अपना नाम अंकिता ते पता मालीगंज चौंक लिखवाया। तो इस तो बाद डॉक्टर ने औरत की डिलीवरी की, पर औरत ने मरी हुई बच्ची पैदा की, जिस तो बाद स्टाफ ने औरत नूं दस दिता कि उसकी बच्ची मरी हुई है। जिस तो बाद बच्ची की लाश नूं मुर्दा घर दे विच रखवा दिता। कुछ समय बाद स्टाफ ने औरत नूं देखा तो वह अपने बैड तो गायब सी। उस तो बाद जी पुलिस नूं लभण निकली तो जनानी का पता तो गलत एड्रैस मिलिया। विधान सभा सैशन चू दाखले लई पंजाब के मंत्रियों ते विधायकों नूं कोरोना टैसट करवाउण दे हुकम। 28 अगस्त नूं होण वाले पंजाब विधान सभा के एक दिन सैशन तो पहला पंजाब के सारे मंत्रियों ते विधायकों नूं कोरोना टैसट करवाउण दे हुकम जारी किए गए हैं। कोरोना टैसट विधान सभा विच दाखल होण वाले समूह आगुआं ते होरां दे लई लाजमी होवेगा। इस दे संबंधी मानयोग स्पीकर दे वल्लों कहा गया कि इस सैशन दौरान पंजाब विधान सभा की इमारत विच दाखल होण वाले सारे विधायकों कोलों 25/8 तो 27/8 तक की कोरोना रिपोर्ट होनी लाजमी है। जेकर किसी कोले कोरोना रिपोर्ट नहीं होगी तो उसनूं पंजाब विधान सभा की इमारत अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इत्थे खास तौर पर दसणयोग है कि पंजाब भर दे विच कोरोना महामारी शिखर है ते हुण सूबे दे VVIP भी इस दी लपेट दे विच आउण लग पए हन। सो बीते दिनी कैप्टन की वजारत के 2 मंत्रियों तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ते गुरप्रीत सिंह कांगड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। पेट्रोल की कीमत चू अज फिर 10 पैसे वाधा, डीजल की कीमत चू कोई वाधा नहीं। इस वेले की वड्डी खबर आ रही है जी। तुसीं इस वाधे नाल जेकर हो सहमत तां कमेंट सैक्शन दे विच लिख दो यस। तेल कंपनियां ने पेट्रोल दीयां कीमतां दे विच लगातार इजाफा किया होया जी। डीजल की कीमत विच कोई वाधा नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी च हुण पेट्रोल की कीमत 81 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 73.56 रुपए प्रति लीटर है। पंजाब विधान सभा के एक दिन सैशन के हिस्सा लैण बारे बादल दल 605 दे विच। खबर के वल जाण तो पहला निक्की जी बेनती है जी, वीडियो नूं लाइक, चैनल नूं सबसक्राइब ते वीडियो नूं शेयर जरूर करियो। आपां 5000 का लाइक एम इस वीडियो ते रखते हाँ। केंद्र के वलों जारी खेती आर्डीनेंसा दे पंजाब दे विच 4 तरफा विरोध कारण 28 अगस्त नूं पंजाब विधान सभा के हो रहे एक दिन सैशन के शामिल होने के लिए श्रोमणी अकाली दल बादल लई मुश्किल स्थिति बन गई है। जे कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी इन्हां आर्डीनेंस ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਸਾ ਵਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। 80% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੈਪਟਾਪ, 27% ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ NCERT ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 34,598 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ 27% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। CBSE ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22,500 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 27% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 33% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 80% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 16% ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੋਂ 20% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। 16% ਅਧਿਆਪਕ, 32.6% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 41 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ESICC ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਢਿੱਲ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ECS ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ESIC ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਨਗਦ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 75 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗੀ ਕਾਮੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.75% ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3.5% ਕਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰੜਕਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਲੀ ਬੋਝ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ 1650 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ DA ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਬਣਦਾ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਸਾਰਨਾ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਪੈਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ असली बोझ जिवें कि मौजूदा साबका मंत्री विधायक संसद मैंबरां दीआं अनगिणत लाखां दे विच मोटियां पेंशनां अताह तनखाहां ते मोटे पत्ते मंत्रियां विधायकां नूं 15,000 रुपए प्रति महीना मोबाइल भत्ता सारियां सुख सहूलतां बेलोड़े चेयरमैनां दीआं तनायतियां रिटायर्ड अधिकारियां दीआं दोबारा नियुक्तियां पीए सकत्तरां निजी सकत्तरां सलाहकारां दीआं सियासी एडजस्टिंग मंत्रियां ते विधायकां दे बनदे टैक्स दी सरकारी खजाने विचों भरपाई VIP कल्चर होर जिहड़े आद माफिया आद दे वल अर्थ विग्यान वाली नज़र बंद करके उन्हां नूं खुश कीता जा रिहा। सो आगवां ने भरे रोह ते लहजे नाल कहा कि आलूवालिया साहब दा वतीरा भी सरमाएदारां धनाड़ ते राजनीतिवान वर्ग पक्खी है। इस रिपोर्ट ने बाल्दी दे उपर तेल पाउण दा ही काम कीता क्योंकि केंद्र ते पंजाब सरकार तां पहलों ही अजिहियां नीतियां दे चल रही हैं ते करोना दी आड़ दे हेठ रोस रैलियां धरने ते मुजाहरियां आदि पाबंदी लगा के निजीकरण पंचायतीकरण व्यापारीकरण ते उद्योगीकरण ते होर लोक विरोधी नीतियां दे फैसले जोर शोर नाल लागू कीते जा रहे हैं। सो दोस्तों जेकर तुहानू भी आलूवालिया दी रिपोर्ट लगी वधिया कमेंट च लिखो यस नहीं तो नो लिख सकते हो। फिरोजपुर च सुत्ते पे परिवार ते डिग्गी छत भैण भरा दी मौत। पंजाब चों बीती रात लगातार पै रहे मींह दे नाल फिरोजपुर दे जलालाबाद एक परिवार की कहर बन के बौड़िया जी। जदों सुत्ते पे परिवार के कमरे की छत डिगण दे नाल 2 जणियां दी मौत हो गई ते 3 होर परिवारक मैंबर गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गए। सुच्चा सिंह लंगाह नूं सहयोग करन वाले मुलाजमां नूं SGPC वल्लों वड्डा झटका। पंथ चों कड्ढे होए साबका मंत्री सुच्चा लंगाह नूं 3 अगस्त नूं गुरदास नंगल दे गुरुद्वारा श्री बाबा बंदा बहादुर चों अमृत पान करवाउण संबंधी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। उत्थे सुच्चा लंगाह नूं संयोग करने वाले कुछ कमेटी के अहुदेदारां नूं जरमाने अते सज़ा के रूप च तब्दील कीते हन। कांग्रेस विरुद्ध धरना देने वाले आप विधायकों के समेत 171 समर्थकों ते मामला दर्ज। नैशनल हाईवे अमृतसर बठिंडा ते स्थित जिला प्रबंधकी कंपलैक्स के बाहर वीरवार दोपहरे कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले आम आदमी पार्टी के 171 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस धरने की अगवाई कोटकपुरा के विधायक कुलतार सिंह संधवा कर रहे सन। उन्होंने भी केस दर्ज किया गया तो इस संबंधी जानकारी देंदे SSP धरुमन H निरबलाया ने दस्सिया कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां ते कोविड-19 के आदेशों की उलंघना करते हुए आम आदमी पार्टी के वर्करां ने ते समर्थकों ने नैशनल हाईवे जाम किया सी जिस दे चलदे कानूनी कार्रवाई की गई है। पंजाब चो फिल्म डॉली की डॉली जिहे गिरोह का पर्दाफाश लुटेरी दुल्हन का कारा हैरान कर देगा। इस वेले दी वड्डी खबर है जी। पंजाब चो फिल्म डॉली की डोली जिहे गिरोह का पर्दाफाश हो गया जी। साल 2015 दे विच एक फिल्म आई सी डॉली की डोली। इस कहानी के अजिहे गिरोह के आधारित सी जो विआह के नाम पर लोगों को फसाउण ते विआह कराउण तो बाद कुछ दिनों के अंदर दुल्हन गहने ते कीमती समान लैके फरार हो जाती सी। इंज ही एक गिरोह नूं पंजाब पुलिस ने धुर दबोचिया है जी। हुण तक यह 6-7 महीनों के अंदर एक ही कुड़ी 3 विआह करवाए जाके लाखां रुपए डकारन का पता लग्या तो पुलिस की जाँच दायरा पंजाब ते हरियाणा इलाके दे विच फैलिया होया है। सो पुलिसिया जाँच ये भी सामने आया कि गिरोह मैंबर के वल्लों लोगों को ड्रीम गर्ल की तरह फोन अपनियां गल्लां दे जाल चों फसाया जांदा ते उन्हां नाल मुलाकात हुंदी ते जबर जनाह दा रोला पा के पैसे लए जांदे हन। सो फिल्मी तरह की कहानी है जी। ग्रोह दी आपरेटर सो उन्होंने दस्सिया जी एक जनानी जिहड़ी जसपाल कोल उफ रेलन चलाउंदी आ ते उसका साथी गुरमीत सिंह वल्लों दिता जा रहा। दोवें टारगेट तय करन तो बाद अपना मामला नजिठण दे लई पैसे तय करन दा काम करदे हन। दुल्हन ते तौर ते काम करदी कोमलप्रीत कौर जदों कि तरसेम कुमार उर्फ मंगू उसके पिता जां कदे चाचे का रोल निभाउंदा सी ते जसपाल कौर विचोलन का भी काम करदी। सो गैंग रेप की शिकायत डूंगाई दे नाल परखण ते होया सी इह खुलासा ते समूहिक जबर जनाह की शिकायत तो बाद हरियाणा चों कीता सी विआह ते सुपारी लैके भी करदे सन जबर जनाह की शिकायत। PM मोदी ने पिछले 6 भाषणां की भरोसेयोगता नाल वादियां ते काम कर रहे नवे भारत का कीता निर्माण। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने 74वें आज़ादी दिहाड़े ते 7वां भाषण है तो उत्थे ही मोदी ने पिछले 6 भाषणों की भरोसेयोगता के नाल दाव्यां ते काम करते भारत का निर्माण किया। जे तुहानूं लगता भी मोदी ने कोई निर्माण किया तो स्रोते वीर अपनी टिप्पणी कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दसन भी मोदी ने की निर्माण किया है, नहीं तो तुसीं नो लिख सकते हो। सो 2014 दे विच पहला भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने हरेक भारती के बैंक खाते वादा किया 15 लाख पाउंड का तो हुण सिर्फ 58% भारतीयां कोले खाते सी, हुण सारियां दे कोले खाता, इसलिए 40 मिलियन नवे खाते, 400 मिलियन नवे खाते खोले गए हैं। तो 1 अरब तो वध आधार दे नाल दुनिया के सब तो वड्डे वित्ती लाभ नूं लागू किया गया। जेकर किसी कोले 15 लाख रुपया आया होवे तां कमेंट सैक्शन चों लिख सकदा है। हाल ही दे विच कोविड-19 तालाबंदी के कारण देश ने गरीबां दे हत्थां 'चों कुछ नगदी पहुंचाउण दे लई संघर्ष किया। भारत ने इस डीबीटी की वरतों करते हुए तालाबंदी के दिनों तुरंत तबादला किया। कार्यकाल के महत्वपूर्ण कई बार कई वादे किए पर पूरे पता नहीं किए कि नहीं किए। स्रोते वीर जरूर राय देन, कई बार साढ़े तो मिस हो जाता भी किहड़ा प्रधानमंत्री ने वादा पूरा किया। सो स्रोते वीर कमेंट सैक्शन चों लिख सकते सन। तो इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है जी भारत के हर पिंड दे विच हाई स्पीड ब्रॉडबैंड यानी कि फाइबर लाया जाएगा। तो अगले 7000 वध प्रोजैक्ट आ जिहड़े वो राष्ट्रीय बुनियाद ढांचे के मिशन की शुरुआती ऐलान कर दिए जाएंगे। यानी कि 7000 नवे प्रोजैक्ट आ जिहड़े वो हुण भारत दे विच लागू होणगे। वीकेंड लाक करफ्यू ते होर पाबंदियां बारे मुख्यमंत्री दे ऐलान संबंधी नोटिफिकेशन जारी होना अजे बाकी आ। 21 अगस्त तो लागू होने वाले लॉकडाउन बारे नोटिफिकेशन अज जारी हो जाएगा जी। प्रधानमंत्री माफ़ करना पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कीते ऐलान के मुताबक 21 अगस्त तो लागू होने वाले लॉकडाउन के संबंधी अज नोटिफिकेशन जारी रात को हो जाएगा। तो लॉकडाउन किमें होएगा जी इस दे बारे बरीकी वेरवे शामिल होणगे, जो तुहानूं एक स्पैशल वीडियो राहीं आपां चैनल ते दसांगे। हलवाई की खुली किस्मत 250 रुपए की लाटरी ने बनाया 1.5 करोड़ का मालिक। सो कालां वाली सिरसा दे विच हलवाई की दुकान चलाउण वाले धर्मपाल नूं पंजाब स्टेट राखी बंपर की लाटरी जित ली ते 1.5 करोड़ का नाम उसने जितया, जिस दे कारण सारे परिवार दे विच खुशी का टिकाणा कोई नहीं आ। खतरे के निशान ते पहुंचा सुखना झील का पानी। सो जिथे एक पासे मीँह के नाल लोकां नूं हुमस भरी राहत मिली है, तो चंडीगढ़ 'चों 2 दिन मीँह पैण दे नाल हुण सुखना झील का पानी खतरे वाले निशान ते पहुंचण वाला है। 4G फोन कह के वेच दिता 2G फोन, शॉमी कंपनी ते लगा हरजाना। सो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिटेल्स कमीशन ने 4G फोन की थां 2G फोन वेचण के मामले में सुनवाई करते हुए शॉमी टैक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सैक्टर 22 स्थित एडी मोबाइल आर्केड शॉप पर हरजाना लाया है जी। सो दोवां कमीशन ने शिकायतकर्ता नूं मोबाइल के पैसे 13,999 रुपए वापस करने के आदेश दिते हैं। तो जुर्माने के रूप 2,500 रुपए अदा करने के लिए कहा है। सो दोस्तों उस तो बाद अगली खबर है जी स्वच्छता सर्वेखण उत्तरी जोन 'चों 3जी वार टापर बनिया पंजाब। इस वेले दी वड्डी खबर है जी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3जे वरे लगातार स्वच्छ सर्वेखण 'चों उत्तरी जोन सूबे दे वल्लों अपना चोटी का स्थान बरकरार रखा है। उस तो बाद अगली खबर है जी सुमैद सैनी के खिलाफ वादा मुआफगाह बने इंस्पैक्टरां के बयान दर्ज हो गए हैं। तो टुट सकती है मरदमशुमारी की 130 साल की रिवायत। सो करोना काल 'चों 130 सालां 'चों पहली बार मरदमशुमारी की रिवायत टुटण का खतरा। 2 हिस्सिਆਂ दे विच होण वाली मरदमशुमारी का पहला हिस्सा घरां ते पशुआं की गिणती का काम 30 सितंबर तक पूरा होना सी, पर हाले तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। ई पासपोर्ट की हुंदा ते रवायती पासपोर्ट दे नालों किवें वख, स्पैशल खबर दे विच आपां इस नूं कवर करांगे जी। उस तो बाद अगली वड्डी खबर आ जी बासपती दे लई पंजाब अते मध्य प्रदेश दे विचाले खिच्चोतान क्यों। तो दोस्तों ये सन सूबे पंजाब दी आम अते खास खबरां। वीडियो देखने लिए तुहाडा धन्नवाद।